रिमझिम फुहारों के बीच भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, जहां सावन माह के पहले ही दिन धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर का आकर्षक श्रृंगार सावन माह के पहले दिन किया गया। सबसे पहले सुबह 4 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, जिसके बाद भगवान महाकालेश्वर का श्रृंगार हुआ। सावन माह के पहले दिन भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन पाने मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि सावन माह में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन पाने भक्त देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी धार्मिक नगरी उज्जैन आते हैं, जहां इसी को देखते हुए प्रशासन ने अलग तरह की व्यवस्था भी की है। दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी मंदिर प्रबंधन अलर्ट पर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना काल के बाद भक्तों में सावन माह को लेकर अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। सावन माह को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने मंदिर खुलने का समय परिवर्तित किया है, जहां पूरे सावन माह में मंदिर प्रातः काल 3 बजे खुलेगा। मंदिर खुलते ही सबसे पहले भस्म आरती की जाएगी। इतना ही नहीं, सावन माह के पहले सोमवार पर मंदिर रात 2 बजे ही खुल जाएगा। सोमवार के दिन भक्त 20 घंटे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। सावन माह में पवित्र सोमवार का धार्मिक महत्व होता है, जिसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्णय लिया है। सावन माह को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में विशेष साज सज्जा की हुई है। साथ ही मंदिर में वो सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके चलते दर्शनार्थियों को बाबा महाकाल के सुगम दर्शन प्राप्त हो सके। सावन माह से पहले ही मंदिर परिसर में साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य भी संपन्न किया गया। साथ ही सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जय महाकाल। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।